सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, अहम टुडे, अहम टुडे न्यूज फेसबुक पेज पे ये वीडियो क्लिप वायरल जो हो रहा है, इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। অরুণাচল কানোবাৰীত গৰুসহ চোৰাটক সীমান্তৱৰ্তী খেৰবাৰীৰ পৰা নিছিল এটি গৰু। ৰাইজৰ সহযোগত গৰু চোৰ আৰক্ষীৰ জালত। অসমৰ সীমান্তৱৰ্তী খেৰবাৰী লাইনৰ লাচিত মুৰা ঘৰৰ পৰা এটি গৰু চুৰি কৰি নিয়াৰ অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে অৰুণাচল কানোবাৰীৰ দাসাডাং বস্তিৰ ৱাংৱন ৱাংজেন পুত্ৰ আমান ৱাংজেঙক ফাটেলুটে ধৰি অৰুণাচল কানোবাৰীৰ আৰক্ষীক সমজাই দিয়ে। इस सिलसिले में हम डिटेल में हम बताएंगे। इस वक्त जिसने जो गाय चोरी किया है, जिसने चोरी किया था वो भी अभी थाना में ही है, और थाना के जो इंचार्ज है ओसी सर से भी हम रूबरू कराएंगे। उससे पहले कि जो इस वीडियो में जिस घर के जो वंगबन वंगजन के जो बेटा करके जो नाम ले रहे हैं वो शख्स मेरा साथ खड़ा है, तो आगे हम बताएंगे। उससे पहले हम डिटेल में जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि पिछले कल एग्जैक्टली हुआ क्या था, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर ये खुद मौजूद थे और अहम टुडे के न्यूज़ चैनल में ये साफ साफ तौर पर ये नाम ले रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कानूबारी में वांगबन वांगजन के बेटा को यहाँ का स्थानीय लोग रंगे हाथों पकड़ के पुलिस थाना में दे दिया है, ऐसा कहना है। जो गाय चोरी करने वाले अरुणाचल की है ऐसा बता रहा है, सारा सारा ये झूठ है, उसको भी आगे हम बताएंगे। तो चले उससे पहले हम जो वांगबन वंगसू के वांगबन वंगजन के जो खुद के लड़के हैं वो खुद यहाँ मौजूद थे, तो एग्जैक्टली क्या हुआ था कल पहले ये बताइए, कौन कौन आया था आपका वहां में, क्या क्या हुआ था कल? हम सुबह को सो रहा था, 9:30 को दो आदमी आए, मालिक बुला के आए, तो उठ के देखा है तो दो आदमी मिला है, तो गाय ले लो बोल के बोला है, तो वो लोग हम बोले गाय कहाँ से लेके आया, असम से लेके आया, बोले हम कौन सा बस्ती का है, बोला बारागाँव है बोल के बोला है, तो कितना दाम का बोला, तो 27,000 का बोले, तो हम बोला पैसा नहीं है मेरे पास, डायरेक्ट बोला है, तो वो बोला है कि 13,000 में दो बोल के बोला है, तो 13,000 नहीं दिया है, 6,000 हाफ पेमेंट दे के भेज दिया था, गाय तो नहीं लेगा बोल के था, तो पैसा जरूरी है बोल के बोला है, इसलिए दिए। दो लड़का ना? दो लड़का। नाम मालूम है? नाम मालूम नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद जो लोग आया था दिन में, जो गाय किसके ले गया वो कौन था? वो गाय का मालिक लोग था, 60 आदमी लोग, तो वो लोग गाय क्या कहा, क्या बोला, क्या करके ले गया गाय को? वो लोग ने बोला कि गाय चोरी किया है बोल के, अटैक किया है ऐसा है, ऐसे ले गया। चोर को पकड़ने वाला जो सुबह को बैठ रहा था, तो 8:30 ऐसा होगा, उसमें कॉल किया है गूगल पे मार दो पैसा बोल के, तो हम बोला है कैश पैसा नहीं है, गूगल पे नहीं है, कैश दे देगा बोल के, अभी हम लॉन्गडिंग जा रहा है इसलिए कैश लेने के लिए आ जाओ बोल के ऐसे बुला के लेके आया था। उसमें दुकान में आया है तो दुकान मिला है उसको पकड़े। तो आपको कैसे पता चला कि गोरु चोर है? और कल वो लोग जब आए थे तो ये कहना है कल दो लड़का सुबह सुबह आया था गाय को लेकर, पहले तो इनके पास आया है, इनसे 27,000 में गाय बिक्री कर रहा था, तो वो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, हालांकि गाय भी नहीं लेंगे, भेज दिया था। तो दोबारा उन्होंने वो दो लड़का जो चोरी करके जो आए हैं वो दोबारा फिर से आया है तो कि 13,000 में ले लो, जबरदस्ती उन्होंने उसको दिया है ना, तो फिर भी इन्होंने पैसा नहीं होने के कारण हाफ पेमेंट 6,000 एडवांस दे के भेजा था। जबरदस्ती जिसने गाय चोर करके आया है वो उनसे हम मिला था, उसका नाम कुछ बता रहे थे, वो खेरबारी का ही है, आसाम का है, आदिवासी है, तो उन्होंने जबरदस्ती इसको गाय दिया, इन्होंने एडवांस के तौर पे 6,000 दे के भेजा है। तब तक दिन के वक्त ना वो लोग जो आया है, जो गाय का मालिक है, जो गांव वाला है, VDP पति बोलते हैं असम में, वो टीम 60 एवप लोग यहाँ में ढूंढते हुए आया, पहुंच गया, तभी मालूम चला कि गाय चोरी हुआ था ना। तो इस तरह से कल जो लोग आए थे, गाय का मालिक और वहाँ के आसाम के लोग, गाय को खींच के वापस ले गया। इसके बाद तभी इनको मालूम चला कि गाय चोरी किया हुआ था लड़का ने,
तो इन्होंने क्या किया है, जो आधा पेमेंट जो नहीं दिया हुआ था उसको देने के बहाने उसको बुला लिया, बुलाकर इन्होंने पुलिस में यहाँ में जमा कर दिया है। तो ये है असल बात। चलिए आगे बात हम आगे फिर बताएंगे, उससे पहले यहाँ के जो ओसी इंचार्ज है उसे भी रूबरू कराते हैं। ओके, वेलकम मंजू मीडिया, मैं टाको ओबी, सब इंस्पेक्टर अरुणाचल प्रदेश पुलिस, अभी फिलहाल इनकम्बेंट ओसी चार्ज में हूँ कानोबारी पीएस पे। अखम टुडे न्यूज में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि अरुणाचल कानोबारी के अरुणाचल में वांगबान वांगजन का बेटा ने एक गाय चोर करके उसको पकड़ा गया है, उनका एक न्यूज वायरल हो रहा है। तो मैंने वांगबान वांगजन का बेटा से भी मिला, तो इनका ये कहना है कि उसको जो है सुबह सुबह दो लड़का असम से आया था गाय लेके, गाय बिक्री कर रहा था। तो पहले तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन दूसरे बार फिर जबरदस्ती दाम सस्ता दाम में दे रहा था, तो इसको उन्होंने हाफ पेमेंट लेके रख लिया है जी। इसके बाद कप्तान को फिर गाय का मालिक जो है ओरिजिनल मालिक आ गया, और वो सारा गाँव का जो मिथी भी बोलता है असम का वो टीम आ गया, तो तभी मालूम हुआ कि ये गाय चोरी किया हुआ है। तो इन्होंने जो आधा पेमेंट नहीं दिया था तो उसको देने के बहाने उन लड़का को बुला करके इनका ये कहना है कि वो पुलिस थाना में जमा दे दिया है। तो आपका इंटरोगेशन में क्या सामने निकल के आया है, क्या सच निकल के आया सर? तो उसी साहब पुलिस स्टेशन पे नहीं होने के कारण मैं यहाँ पे अभी चार्ज पे हूँ। तो एक्चुअली तो मैटर जो ये हुआ कि अहम तुदे में मैं भी आज सुबह देखा जो न्यूज छपा, तो उस पर बहुत सारा फैक्ट्स थोड़ा ट्विस्ट हो गया, कुछ रियलिटी नहीं था मेरे हिसाब से। क्योंकि जो चोर हुआ था, जो चोरी हुआ था एक्चुअली असम कानोबारी में हुआ था, उसको सामान लेके गोरु को लेके आया था यहाँ पे कानोबारी पे। तो फिर यहाँ पे उसने खरीदा जितना अमाउंट, मतलब जे 13,000 कुछ के अमाउंट पे, लेकिन केवल दिया 6,000, मतलब बाकी अमाउंट को बाद में देने का ऐसा बात हुआ था। तो जो उन अहम तुदे में बताया कि उसको यहाँ पे लेके आया बोला, ये तो ये गलत बात है, ये ऐसा कुछ हुआ नहीं इसमें। तो एक्चुअली फिर आज सुबह को ये वही जो मन्नई वांगजन, वो चोर को यहाँ पे हम लोग के सामने प्रोड्यूस किया, तो अभी हमारा कस्टडी पे है। तो वो लड़का का क्या कहना है चोर का? एक्चुअली वो एक वो मिडिल मैन है एक्चुअली, एक चोर है जो उसका नाम गोपाल फोबिया है, वही असम कानोबारी का है। तो उसने उनको बिक्री किया, नहीं बिक्री नहीं कि उसने उनको दिया, तो इसने ये मिडिल मैन जो है वो इनको ये हमारा ये कानोबारी का ये जो मन्नई वांगजन है उनको सेल किया उसने। तो एक्चुअली तो फैक्ट्स तो वही है, कहानी तो वही था। तो अहम तुदे में जो हुआ था वो तो बहुत गलत बात, मतलब गलत छापा है, तो कुछ फैक्ट्स तो उसमें कुछ था नहीं। तो अभी तक जो गाय का है वो ओनर आया है? गाय का ओनर को तो गाय को उसको हम लोग ने कल ही लौटा दिया था, क्योंकि उस समय में उसको मतलब गाय क्योंकि मूवेबल आइटम है तो उसको एक जगह में रख नहीं पाएगा हम लोग, तो उसको उस नजरिए से मतलब सोच के उसको वापस रिटर्न कर दिया कि उसको जब एनी टाइम आपको थाना में उसको जरूरी होगा तो आपको वापस लाना होगा बोल के। तो असल मालिक का जो क्या कहना है, मालिक तो फिलहाल हमारे वहाँ पे यहाँ पे अभी वापस आया नहीं है, उसको आने को बोला था पर आया नहीं अभी तक। तो अभी हमने थाना इंचार्ज से भी मिलके आए हैं, उसका पूरा स्टेटमेंट आपने सुना होगा। तो फिर से हम आपका जो वांगबान वांगजन का जो बेटा है, जो अहम टुडे में जो न्यूज में वायरल करा रहे हैं, उनसे हम रूबरू कराते हैं। तो कैसा लेन देन हुआ था, उसने क्या कहा, आपने कैसा लिया गाय को, क्या कुछ कहना चाहिए? 9:30 को दो आदमी आया था, तो गाय लेके आया बोला है, गाय लेके आया बोला है, तो हम बोला दिखाओ बोल के, तो दाम पूछा कितना का है, तो 27 बोला है, 27 मांगा था, तो 27 मांगा तो नहीं लेगा बोल के वापस कर दिया था, वापस किया फिर लेके आया 13,000 ले लो बोल के। अच्छा, उसमें हम तो पैसा भी नहीं बोला था, तो हम पैसा भी नहीं बोला तो वो दोनों बोला कि दूसरा से एडजस्ट करके दे, वो बोला तो हम राहुल से 6,000 मांग के लिया है, उसको दिया था। तो उसने नहीं कहा कि मालिक कौन है, क्या है? मालिक कौन है पूछा, तो मालिक वो है बोल के
बोला है दूसरा वाला जो ओके ठीक है। तो दो लड़का जो आया था उसमें से उसका कहना है कि दूसरा वाला जो है मालिक है, इनको कहा कि ये मालिक है। तो दो लड़का आया था जिसमें से एक मालिक था, एक यानी कि एक हेल्पर था, तो ऐसा बताया गया है। तो साफ साफ तौर पे ये देख रहा है कि अहम टुडे न्यूज चैनल में जो बता रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश कानूबरी के कानूबरी डासातंग में जो गाय चोरी करके ले आया है वांगबान वांगजन का घर में, जो उसका बड़ा बेटा जो पकड़ के थाना में जमा दे दिया है, जो बता रहा है यह सरासर झूठ है, सरासर गलत आप लोग ये न्यूज़ वायरल करा रहे हैं। एक्चुअली आप लोग इस ऐसे सेंसिटिव इशू में आप लोग अच्छा से दोनों की ओर से जानकारी ले लेना चाहिए, अच्छा से आपको इन्वेस्टिगेशन आप कर लेना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि सच में ये हुआ था क्या, क्योंकि एक वीडियो क्लिप मिल गया बस आप डायरेक्ट न्यूज़ वायरल करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है ना। तो साफ साफ यहाँ पे खड़ा है, जिंदा खड़ा है मेरा सामने, यही है मंगबन वांगजन का बेटा, जो इनका ये कहना है जो दो लड़का जो एक्चुअल में जो चोरी करके आया था जो खेरवारी से आसाम से, वो दो लड़का ने इनको दिया है, उसमें से इसने वापस कर दिया था पहले, तो फिर दोबारा सस्ता में इनको दिया है, फिर भी इन्होंने हाफ पेमेंट दिया है, फिर भी इन्होंने पूछा था कि मालिक के बारे में इन्होंने पूछा था, तो इसने दूसरा को दिखा दिया कि ये मालिक है। तो इस प्रकार से लेन देन हुआ है, ना कि कोई अरुणाचल से जाके कोई चोरी करके लाया है, ना कि कोई किसी ने मंगाया है, ऐसे कोई बात ही नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से मैं अहम टुडे के न्यूज़ चैनल टीम से मैं ये कहना चाहूँगा, इस तरह के सेंसिटिव इशू में आप लोग अच्छा से जांच पड़ताल करना चाहिए, ये सरासर झूठ सरासर ऐसा अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। आप बिना अच्छा से जानकारी लिए बिना आप इस तरह की वीडियो वायरल नहीं करना चाहिए। आपने दोबारा ये भी कहा कि जितने भी यहाँ पे भुखबरी और बुका पोठार बैरगाँव खेरबारी कानूबरी असम से अरुणाचल असम में भी हमेशा ले जाते रहते, ऐसा भी आपने कहा, ये सरासर झूठ है। इस तरह का न्यूज़ नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलती से भी एक मैसेज चला जाता है तो पूरा वहाँ का जनजाति का पूरा बदनाम हो जाता है। जिस तरह से आप ये अभी बदनामी कर रहे हैं कि अरुणाचल अरुणाचल कानूबरी असम कानूबरी के दासातंग अरुणाचल के कानूबरी में लोग गाय चोरी करके ले आया है, उसको आपने रंगे हाथ पकड़ा है, इस तरह की अफवाह नहीं फैलाना है, इस तरह की खबरें नहीं फैलाना है, आपको अच्छा से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। हालांकि मैंने यहाँ का जो अथॉरिटी से यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका भी यही कहना है सारा का सारा, क्योंकि जो चोरी करके ले आया है उनसे भी हमने खुद मिला है आज सुबह, उनका भी यही कहना है वो चोरी करके लाया, एक्चुअली वो भी उसको दूसरा वाला ने दिया था, बोला है कि इसको जाओ लेके बिक्री करो, इस तरह से दिया था। तो हमेशा मैं देखता हूँ आसाम में जितने भी न्यूज़ चैनल है आप लोग अच्छा से जांच पड़ताल करके न्यूज़ नहीं बनाता है, आप लोग कोई भी वीडियो वायरल व्हाट्सएप में मिल गया उसको उठा के आप लोग खबर चला देता है, इस प्रकार से नहीं होना है। अच्छा से दोबारा आप जांच पड़ताल कर लीजिए, आप लोगों के पास यहाँ का OC नंबर होते होंगे, कॉन्टेक्ट नंबर होते होंगे, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के किसी का तो कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, यहाँ का GB का कॉन्टेक्ट नंबर तो होता होगा, किसी राजा का तो कॉन्टेक्ट नंबर होता होगा उन सबसे, या फिर स्टूडेंट यूनियन का किसी का तो नंबर होता होगा, उन सबसे कम से कम जानकारी ले लेना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप न्यूज़ मत फैलाइए, न्यूज़ फैलाइए ज़रूर, लेकिन अच्छा से जांच पड़ताल के साथ सच्चाई के साथ आपको ये न्यूज आपको वायरल करना है, ना कि इस प्रकार की अफवाह फैलाना है। तो चलिए लास्टली मैं यही कहूँगा कि यहाँ कोई अरुणाचल में चोरी नहीं हुआ है, अरुणाचल वासियों ने किसी ने चोरी नहीं किया है, यहाँ साफ साफ तौर पे मेरा साथ खड़ा है जो शख्स आपका आप नाम ले रहे हो, आपका नाम? मेरा नाम लिंगम वंगजन, मैं वंगबन वंगजन की छोटी बेटी, यानी कि इनका बहन, हाँ उसकी छोटी बहन है। तो कल हाँ कल को मम्मी पापा लोग सब चर्च चला गया था, तो उसी समय में भैया हम दोनों अकेला बैठा था, तो मैं किचन में काम कर रही थी खाना सब्जी बना के, तो मैं भैया को बेटी पकड़ने दिया था, तो उसमें दो असम आया है हम लोग का घर में, आके भैया को बुलाया है, भैया को बुला के बोला है कि गाय आप लोग का वहाँ में जहाँ में हम लोग गाय काटता है गोरू काटता है वहाँ में हम लोग बांध के रखा है, आप चलिए वहाँ में देखने के लिए जाएगा बोल के। तो मैंने भाई को भैया को बोला है नहीं वो लोग वहाँ में क्यों लेके आया है,
जहाँ घर में लेके आने के लिए बोलो और आप बच्चा पकड़ रहा है ऐसा बोलो बोल के, तो वो लोग भैया ने ऐसा बोल के वो लोग को घर में लाया है। घर में लाने के बाद में भैया को बोला है कि वो लोग हम लोग को 27,000 दे दो बोल के, तो भैया ने मेरे पास इतना तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आप लोग चला जाओ बोल के भैया ने बेच दिया था, मना कर दिया। मना करने के बाद फिर वो लोग दोबारा आया, दोबारा आने के बाद में बोला है कि होगा 13,000 या तो 10,000 ऐसा होने से भी दे दो बोल के वो वापस आया है। वापस आने के बाद में गाय तो भरा था, तो मैंने भैया को बोला कि चोरी का माल तो नहीं है क्या बोल के, तो वो लोग ने बोला है नहीं है चोरी का माल नहीं है, मेरा घर में फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए हम लोग बिक्री किया है बोल के ना, तो इसके लिए ऐसा सोच के भैया ने दूसरा से पैसा एडजस्ट करके 6,000 वो लोग को कैश मनी दिया है, वो लोग को कैश मनी वो लोग को दिया है। तो वो लोग फिर भैया ने होगा 1-2 बजे फिर आधा पैसा लेने के लिए आओ बोल के वो लोग को बेच दिया। वो लोग बेचने का बाद में गाय को भी बांध के भी नहीं रखा था हम लोग ने, जैसे वो लोग ने बांध के रखा है वैसे ही हम लोग ने रखा है ना, तो उसका बाद वो लोग 1-2 बजे ऐसा में वो लोग फिर गाय का मालिक लोग आया है। गाय का मालिक लोग आके ये तो हम लोग का गाय है बोल के वो लोग खोल के, तो हम लोग बोला है हम लोग तो चोरी नहीं किया है, तो होगा आप लोग का है बोलने से ले जाओ बोल के वो लोग ले गया। तो असम न्यूज का वो टुडे जो है उसमें हम लोग को असम टुडे वाला न्यूज में पिताजी वांगबन वांगजन और अमान वांगजन दोनों ने चोरी किया है बोल के वो इंजाम लगाने वाला, हम लोग को बहुत खराब लगा है, वो फेक न्यूज है वो जो। जी सही है, जैसा कि ये वांगबन वांगजन का बेटा बेटी दोनों है, अगर आप देखिए कल जो ओरिजिनल जब मालिक आए थे अगर चोरी भी किया होता तो गाय थोड़ी ना रास्ता के सामने आपको मिलना था या फिर घर में आपको पड़ा मिलना था, कहीं तो छुपा कर रखते हैं। तो इस तरह का बिना अच्छा से जांच पड़ताल किए इस तरह का खबर नहीं फैलाना है। तो वीडियो क्लिप्स किसने लिया था? वीडियो क्लिप्स तो वो लोग बहुत आदमी लोग वीडियो कर रहा था असम लोग, तो वो लोग हम लोग मत करो बोल रहा है वो लोग क्या है वीडियो, हम लोग तो कुछ गलत नहीं किया है इसके लिए कुछ भी नहीं सोचा था, रुकावट नहीं था। जी जी आया बस बताया तो लेने दे दिया वापस दे दिया, तो ये मजरा था। हालांकि अभी तक जो गाय का ओरिजिनल मालिक है अभी तक वो भी नहीं पहुंचा यहाँ तक, जबकि तो चलिए आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे नए दिन नए खबरों के साथ, तब तक के लिए इंतजार बना रही है।